सर। रोड पे किस साइड से चला जाता है? सर लेफ्ट से, लेफ्ट से। लेफ्ट, अभी आप किस साइड में है? राइट में सर। पढ़े लिखे व्यक्त लग रहा है लेकिन आप भी गलत सेंटर में खड़े हैं। गलत सेंटर के होने की वजह है कि देखिए आधा रोड छोड़कर यह टेम्पो खड़ा है। बीच में कहाँ खड़ा भाई, अपने साइड तो है। चलिए, ऐसे ही लोग हैं जो जाम को बढ़ावा देते हैं। हालांकि जब हम तमाम लोगों से बात करते हैं तो ये तमाम लोग सबसे पहले सरकार का दोष देते हैं, सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस और पुलिस का दोष देते हैं। ये बताइए, एम्बुलेंस है, इसमें मरीज है, आप लोग गलत खड़े होने की वजह से किसी पेशेंट की जान चली जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? जाम में फंस जाते हैं, कोई पेशेंट होता है तो फिर आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं, खड़े रहते हैं, मजबूरी है। एक कहावत है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपनो मुझसे बुरा न कोई। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। महाराज, इन जनपद वासियों को रेलवे की तो नई सौगात मिल गई है लेकिन इस क्षेत्र के जो तमाम लोगों की मुख्य समस्या है उससे अब तक निजात नहीं मिला है। वो समस्या क्या, आपको बता दें कि यहाँ पिछले 117 वर्षों से प्रत्येक दिन दिन में तकरीबन दर्जनों बार भारी भीड़ लगती है, भारी जाम की समस्या होती है, लेकिन उस समस्या से अब तक इस क्षेत्र के तमाम लोगों को निजात नहीं मिला है। हालांकि यहाँ के तमाम लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों को इससे अवगत करवाने का प्रयास किया है लेकिन उसके बावजूद अब तक इस जाम से किसी भी प्रकार की राहत क्षेत्र के तमाम लोगों को मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। महिला हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। दिन में कितनी बार जाम की समस्या से आप लोगों को जूझना पड़ता है? 3-4 बार हो तो जाता है। कितनी देर तक जाम लगी होती है यहाँ? लगभग 1-1.5 घंटा तक। कितने दिन पूर्व से ये जाम की समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं? काफी दिन से। तो तमाम लोग हैं और जाम से समस्या तो होती है लेकिन उसके कुछ जिम्मेदार ये लोग भी हैं, आम जनता भी है, क्योंकि ये जब बिना साइड से लोग जब खड़े हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है जाम की समस्या ये लोग खुद पैदा कर देते हैं। क्या नाम है आपका? पिंटू सर। आपने पढ़ा है? जी सर। रोड पे किस साइड से चला जाता है? सर लेफ्ट से, लेफ्ट से। लेफ्ट, अभी आप किस साइड में है? राइट में सर। राइट में क्यों खड़े हैं? जाम लगती है यहाँ पर? जाम लगने हैं सर। जाम क्यों लगती है सर? आप गलत, मतलब अपना होना चाहिए, ओवरब्रिज होना चाहिए सर, जाम ओवरब्रिज होना चाहिए। आप लोग अपने आप में भी तो सुधार लग सकते हैं, जब एक लाइन सेंटर से खड़े हो जाए तभी तो जल्दी नहीं होती सर, यहाँ ट्रैफिक वाला होना चाहिए तभी सुधार आएगा सर। चलिए, ट्रैफिक वाला होना चाहिए, हर चीज ट्रैफिक के या सरकार को दोष देना ये भी गलत है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। ठीक, अभी आप लेफ्ट साइड के बजाय राइट साइड में है, जाम लगती है रोज? अब रोज से जी आवत हुई है, बता पाई। आप पहली बार आए यहाँ? अपने साइड में खड़े हैं? नहीं, अपने साइड में नहीं। चलिए ठीक है, ये तमाम लोग हैं, हालांकि कहीं ना कहीं ये समस्या ओवर ब्रिज की वजह से है लेकिन ये लोग भी इस समस्या को जन्म दे देते हैं। क्या नाम है सर आपका? संजीत। यहाँ से कितनी बार गुजरते हैं आप दिन में? सुबह एक बार शाम को। शाम को 2 बार गुजरते हैं, 2 बार में कितनी बार आप समस्या का सामना करते हैं जाम से? हमेशा, हमेशा करते हैं। अभी आप पढ़े लिखे व्यक्त लग रहा है लेकिन आप भी गलत सेंटर में खड़े हैं। गलत सेंटर के होने की वजह है कि देखिए आधा रोड छोड़कर यह टेम्पो खड़ा है, क्या करें हम? इसके इनके पीछे भी तो खड़े हो सकते हैं। कहाँ खड़ा हो पाएंगे, या तो जो है ई रिक्शा वाले ठेल देंगे आने तो टेम्पो वाले जो। चलिए, ई रिक्शा वाले धक्का दे देंगे, बात करेंगे। आप कहाँ गलत साइड में खड़े हैं? कहाँ गलत साइड में? रोज जाम लगता है? रोज जाम लगता है। क्यों लगता है जाम? अभी ट्रेन आ रही है, जाम लगती है। जाम क्यों लगता है आप वो बताइए, आप गलत साइड में खड़े हैं? गलत साइड में नहीं खड़े हैं। गलत साइड में, बीच में जब खड़ा कर देंगे तो लोग कहाँ खड़े होंगे? बीच में कहाँ खड़ा भाई, अपने साइड तो है। चलिए, ऐसे ही लोग हैं जो जाम को बढ़ावा देते हैं। हालांकि इस जाम का एक समस्या और भी है, अगर ओवर ब्रिज होता तो लोग ऊपर से निकल गए होते लेकिन ओवर ब्रिज नहीं होने के कारण, व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न होता है लेकिन उससे भी ज्यादा समस्या ये लोग खुद करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? अर्जुन। अच्छा, आपका पढ़े लिखे हैं, आपकी साइड कौन है, राइट या लेफ्ट, कौन सी साइड में चलना चाहिए? साइड में जाना चाहिए। जाम जाम लगता है रोज? नहीं लगता है। नहीं लगता है, चलिए जाम नहीं लगता है। क्या नाम है आपका? अखिलेश गौतम। आप लेफ्ट साइड के बजाय राइट साइड में खड़े हैं, जाम लगता है? हम यहाँ पहली बार आए हैं। चलिए, पहली बार आए हैं। तमाम ये लोग हैं, जब इनसे बातचीत किया जाता है तो ये ट्रैफिक पुलिस का हवाला देते हैं, ये पुलिस का हवाला देते हैं। और हम अभी बात कर रहे थे एम्बुलेंस की, देखिए इन्हीं लोगों के कारण से एम्बुलेंस में बैठा हुआ मरीज पेशेंट, जब किसी का हालत क्रिटिकल होता है वो भी इसी तरह इसी जाम की वजह से फंस जाते हैं
और कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग, ऐसे क्रिटिकल पेशेंट अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हालांकि जब हम तमाम लोगों से बात करते हैं तो ये तमाम लोग सबसे पहले सरकार का दोष देते हैं, सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस और पुलिस का दोष देते हैं। हालांकि अगर ये अपने आप में सुधार लाए, अगर सेंटर में खड़े हो, तो इस जब तक ओवर ब्रिज नहीं बनता है तब तक ये लोग इस भीड़ से थोड़ा सा राहत पा सकते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राम नारायण। आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुगली से हैं? कितनी बार गुजरते हैं दिन में यहाँ? तो 50 बार। 50 बार गुजरते हैं। कितनी बार भीड़ का सामना करना पड़ता है, जाम का सामना करना पड़ता है? हमेशा करना पड़ता है। जाम में फंस जाते हैं, कोई पेशेंट होता है तो फिर आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं, खड़े रहते हैं, मजबूरी है। अभी पेशेंट है आपके गाड़ी में? नहीं, छोड़ के जा रहे हैं। अभी पेशेंट छोड़ करके जा रहे हैं। इस मुख्य समस्या जो है जाम की समस्या है, इसका मुख्य कारण क्या है? ये रेलवे है, इसमें ओवरफ्लाई भी होना चाहिए, ओवर ब्रिज होना चाहिए। और ये जो लोग गलत सेंटर में खड़े हो जाते हैं, अपना साइड से तो चल नहीं रहे यहाँ के लोग। चलिए, यहाँ के लोग अगर साइड से खड़े हो जाए। भैया क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता। ठीक है, अभी आप साइड में हैं, अपने राइट हैं, लेफ्ट हैं, सही है, गलत है? गलत है। ये बताइए, एम्बुलेंस है, इसमें मरीज है, आप लोग गलत खड़े होने की वजह से किसी पेशेंट की जान चली जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? ठीक है, गलत है, तमाम लोग हैं, ये युवा है, पढ़े लिखे लोग। क्या नाम है आपका? राम अज्ञा। ठीक है, आप राइट में चलना चाहिए कि लेफ्ट में चलना चाहिए आपको? अरे तो आगे जाम लगा तो क्या करेंगे? आगे जाम लगेगा तो पीछे आप लोग जाम लगा देंगे। चलिए, यही हिंदुस्तान है, और आगे जाम लगा तो पीछे जाम लगा देंगे। क्या नाम है मान्यवर आपका? क्या नाम है आपका? करो कुछ के बहु, यहाँ जाम लगता है? सामने दिखाई नहीं देता। क्यों लगता है जाम? जब ओवर ब्रिज नहीं बा ढाला और खराब बा, जब ओवर ब्रिज बन जाए जाम नहीं लगी। चलिए, ओवर ब्रिज बन जाएगा तो जाम नहीं लगेगा। अभी आप जिस जगह पे खड़े हैं, आप सही जगह पे खड़े हैं, तो ये आप लोगों को भी तो जिम्मेदारी हुई। हाँ तो भाई, देखी देखा पाप, देखी देखा धर्म, देखी देखा पाप, देखी देखा धर्म। एक कहावत है, एक कहावत है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपनो मुझसे बुरा न कोई। ये हिंदुस्तान है, और यहाँ के लोग सबसे पहले सरकार का विरोध करना शुरू करते हैं, उसके बाद पुलिस का विरोध करते हैं, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस का विरोध करते हैं, लेकिन अपने आप में सुधार लाने का प्रयास नहीं करते हैं। भैया क्या नाम है, क्या आप सही जगह पे खड़े हैं? सही जगह तो नहीं है। क्या इस चीज को सुधारा जा सकता है? हाँ, जा सकता है। इसमें किसकी गलती है जो जाम लगती है प्रत्येक दिन, किसकी गलती है? सब अधिकारियों की गलती है यहाँ। आप आम जनता की कोई गलती नहीं है? नहीं है। आप लोग सही ढंग से खड़े हैं? हाँ, सही ढंग से खड़े हैं। ये बताइए, अगर ओवर ब्रिज बन गया होता तो यहाँ सब लोग ऊपर जाते हैं यहाँ। ये बताइए, व्यवस्थाएं नहीं है तो इसमें आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी है, आम नागरिक है यहाँ के, आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेदारी तो है। तो चलिए, जैसा कि हम आपको बता दें, ये भारतवर्ष है, और यहाँ प्रत्येक दिन ऐसी लंबी लंबी कतारें लगती है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो अपने आप में सुधारने के बजाय सीधे जो है सरकार को ब्लेम करते हैं। हालांकि हम भी इस बात पे एग्री हैं कि अगर ओवर ब्रिज होता तो यहाँ प्रत्येक दिन जाम की समस्या से निजात मिल जाता, प्रत्येक दिन जाम की समस्या से आम जनता को जूझना नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद भी ये प्रत्येक दिन लोग जो खड़े होते हैं, ये लेफ्ट और राइट के बजाय पूरे रोड में खड़े हो जाते हैं, जिसके वजह से जाम की समस्या और बढ़ जाती है। और जो जाम 10 मिनट में खाली हो जाने चाहिए, वो जाम घंटों घंटों तक लगी होती है। इस साइड में आप बात करेंगे तो पुलिस चौकी तक लगती है, और उस साइड की बात करें तो घुगली का टैक्सी स्टैंड है, वहां तक जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। हमने तमाम लोगों से बातचीत किया, लेफ्ट जिनको लेफ्ट खड़ा होना चाहिए वो राइट खड़े हैं, पूरे रोड को ब्लॉक करके ये लोग खड़े हुए हैं। हालांकि प्रत्येक दिन लगभग एम्बुलेंस जो है फंसी जाती है, एम्बुलेंस में बैठे पेशेंट जो है परेशान हो जाते हैं। कई दफा ऐसा हुआ कि सही समय से इलाज न होने के कारण एम्बुलेंस में बैठे पेशेंट अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन ये आम जनता है, अपने आप में सुधार लाने के बजाय केवल और केवल सरकार को ब्लेम करती है, केवल और केवल स्थानीय पुलिस को ब्लेम करती है। हालांकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन आम जनता की है कि अगर सही ढंग से खड़े होंगे तो जाम की समस्या से निजात मिल सकेगा। बाकी ऐसे लोगों के बारे में और घुगली के ओवर ब्रिज के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।